अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने निकले किसानों का दिल्ली चलो प्रोटेस्ट 2 दिनों के लिए रोक दिया गया है। इस बात की घोषणा पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के प्रमुख किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने एक संवाददाता सम्मेलन में बुधवार को की। उन्होंने कहा, खनौनी में हुई घटना पर चर्चा होगी, दिल्ली की ओर हमारे मार्च में 2 दिन का ठहराव रहेगा। सरवन ने आगे कहा, हम पूरी स्थिति को बाद में साफ करेंगे कि हमारे आगे का आंदोलन क्या होगा। यात्रा में ठहराव के दौरान हजारों किसान दोनों सीमाओं पर रुके रहेंगे। गौरतलब है कि किसानों की तरफ से ये घोषणा केंद्र द्वारा चर्चा के एक और दौर की अपील के बाद आई है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, किसान देश भर में है, कोई भी पॉलिसी बनाते समय पूरे देश के किसानों के हित को ध्यान में रखना जरूरी है। इसे ध्यान में रखते हुए हम आने वाले दिनों में उनकी चिंताओं को हल करने की दिशा में काम करेंगे। इससे पहले केंद्र सरकार से चौथे दौर की बातचीत नाकाम होने के बाद बुधवार को किसान संगठनों ने दिल्ली चलो प्रोटेस्ट को किसान संगठनों ने फिर से शुरू किया। 3 केंद्रीय मंत्रियों वाली सरकार समिति ने किसानों के साथ अनुबंध करने के बाद 5 साल के लिए सरकारी एजेंसियों द्वारा MSP पर दालों, मक्का और कपास की फसलों की खरीद का प्रस्ताव दिया था, लेकिन किसान नेताओं ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इससे पहले भारतीय किसान यूनियन यानी कि BKU के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली जा रहे किसानों को रोके जाने पर बुधवार को कहा, अगर वो किसानों को दिल्ली नहीं आने दे रहे तो चुनाव में किसान भी उन्हें गांव में नहीं आने देंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP की कानूनी गारंटी, बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने समेत विभिन्न मांगों को लेकर मेरठ में BKU के ओर से जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।